क्योंकि हम खुशियां बांटते हैं और आगे भी खुशियां बांटते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खुशियों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहे, और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। वेलकम नेस्टिक। हे हे, गुड मॉर्निंग गाइस, आप सबका स्वागत है सौरभ डॉग चैनल के एक और एपिसोड में। सबको हाथ में ले ले रहे भाई, इनको टेबल पे छोड़ना खतरे से खाली नहीं है क्योंकि बड़े नॉटी हैं, कभी भी सरक जा रहे हैं। तो बेसिकली पग जो ब्रीड है दोस्तों, ये चाइना की ब्रीड है, चाइनीज है, और चाइना में पहले इनका यूज बहुत अच्छे कंपेनियन के रूप में किया जाता था क्योंकि ये छोटे होते हैं। और सबसे पहले इनको आपने और हमने, यहाँ तक कि मुझे लगता है भारत के 90% जनता ने हच के वीडियो में देखा था, वोडाफोन, जो पहले वोडाफोन हच के नाम से होता था, और उसका एक स्लोगन था, जहां जहां टावर वहां वहां हम। और वाकई में पग वैसे ही होते हैं, आप बाथरूम में जाएंगे, ये पीछे बाथरूम के बाहर तब तक वेट करेगा जब तक आप बात लेके वापस ना आए। आप पूजा करने बैठोगे, ये तब तक पूजा घर के बाहर वेट करेगा जब तक आप ना आओ। इवन ये आप जहां जहां भी जाते हैं, ये लगातार आपके पीछे फॉलो करते रहते करते रहते करते रहते और हमेशा आपके साथ रहते। पग बेसिकली दोस्तों दो कलर्स में आते हैं, पहला कलर ये आप देख रहे हैं, ये तीनों फॉन कलर इन्हें कहा जाता है, या ब्राउन कलर, नेचुरल कलर इनका यही होता है। दिशा पटानी जो कि बॉलीवुड की सुपरस्टार है, उनके पास भी पग इसी कलर का है। जैसा कि मैं बता रहा था, अभी हमारे पास एक मेल दो फीमेल है, जो कि एक मेल हमारे पास से जा रहा है शायद मुंबई या फिर वाराणसी। फिलहाल शुभम खेतान भाई आए हुए हैं इसको लेने के लिए, तो बहुत अच्छा रहा इनसे बातचीत, 5 मिनट हुई, बस एक कनेक्शन हो जाता है 5 मिनट में, तो अच्छा लगा, टू दी पॉइंट बातें हुई। अच्छा, इतने छोटे पप्पी को कभी मिल्क नहीं देना चाहिए, आई विल टेल यू वाई। इस पर भी मैंने प्रॉपर बताया हुआ है, एक मुझे वेंटिलेटर दीजिए, क्योंकि इतना छोटा पप्पी दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकता, लूज मोशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये वेंटिलेटर है, इट्स अ सेरेलेक फ्रॉम वेंकीज ब्रांड का, वेंकीज बहुत वेल नोन ब्रांड है इंडिया का, ह्यूमंस में इसके काफ़ी मेडिसिन और सप्लीमेंट्स आते हैं। इसके थर्ड पॉइंट में लिखा है, अगर कैमरा दिखा पा रहा होगा, थर्ड पॉइंट है इसका मिल्क रिप्लेसर। सो आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, वेंकीज खुद कह रही है कि मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिल्क रिप्लेसर इसीलिए बनाया गया है कि मिल्क नहीं देना, इसलिए इनको दूध नहीं देना है। बल्कि आप दूध से जुड़ी हुई सारी चीज़ें दे सकते हैं घर में, दही, छाछ, मंठा, लस्सी और मलाई वगैरह वगैरह, जो भी दूध से, पनीर, छेना, ये सब। बेसिकली इतने छोटे बच्चों की केयर कैसे करें, तो बेसिकली पग मार्केट में आपको बहुत सारे रेंजेस में मिल जाते हैं, कई क्वालिटी में मिल जाते हैं, 14,000, 15,000, 18,000, 12,000, 20,000, 25,000। ये प्राइजेस का डिफरेंस क्यों आता है दोस्तों, बहुत सिंपल उदाहरण देके आपको समझाऊंगा, आप बड़े आराम से समझ जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। जैसे चावल है, चावल 2 रुपये किलो कंट्रोल का चावल आता है, फिर जीरा बत्तीसी चावल आता है 40-45 रुपये किलो, फिर इंडिया गेट बासमती राइस आता है, उससे भी महंगा आता है लाल किला बासमती, और उसी वेरिएंट में कई सारे चावल होते हैं, ठीक। तो पग में ऐसे कैसे अंतर हम करेंगे, तो जितना दबा हुआ मुंह होता है, जितना अंदर की ओर फेस होगा, जैसे आप इस पपी का देख रहे हैं एकदम बंदर की तरह फेस है और फेस पंच है, उतना ज़्यादा अच्छा बच्चा माना जाता है। और एक प्योर पग की सबसे पहली पहचान होती है टेल पे डबल रिंग होना। आप ये देखिए, टेल एक बार रिंग हो रहा है और दोबारा भी रिंग जा रहा है। बहुत सारे पग में आप देखते हैं कि वो नीचे की तरफ रहेगा, अभी आप समझिए कि अगर यही पग ऐसे रहे तो ये बहुत गंदा लगता है देखने में। तो पग की दुम हमेशा घूमी होती है, और आपने कहावत सुनी होगी, कुत्ते की दुम टेढ़ी की टेढ़ी, तो ये कहावत इस डॉग पे बहुत ही ज़्यादा फपती है। जब भी आप एक छोटा पपी लें तो एक चीज़ ना करें, अभी तो पेंडेमिक टाइम है, वैसे भी नहीं करना चाहिए, अपने अड़ोसी पड़ोसी दोस्तों यारों को ले जा के मिलवाइए नहीं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटी ब्रीड है। दूसरा, ये छोटे बच्चे होते हैं, हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी हमारे पास एक पग का पपी है और हम देखेंगे कि इसको कैसे साफ करेंगे, क्योंकि इतने छोटे बच्चे को नहला तो सकते नहीं। तो जब नहीं नहला सकते हैं तो हम क्या करेंगे, आपको बहुत अच्छा डोना का वाइप मिल जाता है, ये बहुत अच्छा ब्रांड है, बहुत अच्छा वाइप होता है, इसके अंदर सैनिटाइजर प्लस वाइपिंग के केमिकल ऑलरेडी होते हैं जो बच्चों के लिए हार्मफुल होते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर है, ये टीयरलेस है, तो अगर आँख में लग भी गया तो उसको आंसू नहीं आता। बस आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका हाथ साफ होना चाहिए सैनिटाइज करके, उसके बाद एक आप ऐसे निकालेंगे तो वो निकल गए, एक ही से काम हो जाना चाहिए, बस
है, इसको पूरा ओपन कर लीजिए बड़े आराम से, और इसको आपको रगड़ रगड़ के पूछना, ऐसे धीरे धीरे प्यार से मत सहलाइएगा वरना साफ ही नहीं होने वाला, अच्छे से रगड़ के पूछेगा इसको दर्द नहीं होता, बच्चे को दर्द भी नहीं होगा क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट। और अक्सर क्या होता है छोटे पपीज जब खाते हैं, सरले खाया, दूध पिया माँ का, एक दूसरे को चाट चाट के फिर प्यार करने लगते हैं उसी मुंह से, एक दूसरे के बालों पे जमा देते हैं, काफी ज्यादा जम जाते हैं, देखिए कितने गंदे 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 हैं। यह है कुछ नहीं डस्ट मदर से, क्योंकि अभी ये बच्चे नहाए थे, आप कुछ कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तुम्हें, अभी देखिए इसका फेस गंदा है, यहाँ देखिए सरलेक वरलेक सब वाइट वाइट सा लगा है, और ज्यादा था अभी मैंने पोंछ दिया, अभी इसको देखिए मैं साफ करूंगा ये पूरा क्लीन हो जाएगा। ये वाला वाइप इतना अच्छा है कि मुंह में चला जाए, थोड़ा सा नाक पे लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है। और हाँ, पग ब्रीड में खास तौर पे एक चीज ध्यान देने वाली चीज, जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनमें सबसे ज्यादा डस्ट जो बैठता है रिंकल्स में बैठता है, यानी कि यहाँ बैठ जाएगा, अब ऐसे हटा के उंगली से एक्सपोज देंगे एक एक महीने या 15-15 दिन यहाँ बैठ जाएगा, जितनी रिंकल यहाँ पे आएगी रिंकल में बैठता है कोई ध्यान नहीं देता, और नीचे एक एक महीने पे भी अगर आप पोज देंगे तो ये निकल के रहेंगे, और फिर इसको पूरा ऐसे पोज दीजिए इसको कुछ नहीं होगा। अभी देखिए ये बच्चों एकदम क्यूट सा लगने लग गया, राइट, अब ये सूख जाएगा तो और अच्छा हो जाएगा, जब ये ड्राई हो जाए तो आप पाउडर लगा दीजिए, इनका पाउडर आता है लॉजिटिक है हिमालय का, या फिर बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स के पाउडर आते हैं, कोई भी अच्छा पाउडर डॉग वाला यूज कर सकते हैं, और डॉग्स पे कभी भी कोई ह्यूमन की दवा या फिर ह्यूमन के कोई भी प्रोडक्ट शैम्पू पाउडर यूज ना करें, बिकॉज इनकी बॉडी का पीएच अलग है, मेरी आपकी बॉडी का पीएच अलग है, तो हेयर फॉल या स्किन रैशेज होने के बहुत चांसेस रहते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो में मजा आया होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।